नमस्तेकार और आज हम खड़े हैं जैनीज़ ग्रैंड टूरर के सामने जिसका नाम है लेक्सस एल 1991 में लॉन्च हुई थी और ये 2023 का थर्ड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं पेट्रोल में सिर्फ एक ही मॉडल आता है फाइव हंड्रेड एच हाइब्रिड जिसकी कीमत है एक शोरूम टू करोड़ ट्वेंटी नाइन लैख रुपीज लेक्स एस को रिप्लेस किया था एल ने इसने कई डिज़ाइन अवार्ड्स भी जीते हैं इसकी जापान के टोयोटा शहर में असेंबली होती है जहाँ पर एल भी बनती थी एल के कई टकोमी मास्टर क्राफ्ट्समैन ही एल पर काम करते हैं इसका कन्वर्टेबल मॉडल भी आता है बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है एल का फुल फॉर्म है लग्जरी कोपे फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है एल स्मूथ मैनबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए सडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है कोजी साटो एल के चीफ इंजीनियर थे टाडाओ मोरी पानसू कोन और एडवर्ड ली ने मिलकर डिज़ाइन किया है एल को टोयोटा के न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर टी एन जी एल प्लेटफॉर्म पर बनी है एल सी जिस पर एल एस टोयोटा क्राउन और मिराई भी बने हैं ये 2012 के एल एफ एल सी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है Z100 वन हंड्रेड कोड ने इस जनरेशन एल सी काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है एल सी का इंडिकेटर फ्रंट सेंसर्स हैं और ये बड़ी स्पिंडल लेक्सस का लोगो और ये है ऑटोमेटिक एलईडी ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलाइट एलईडी डी आर एल एल ई डी कॉर्नरिंग लैंप लाइट कंट्रोल सिस्टम और वॉशर के साथ Lexus की बोनेट पे डिजाइन अकास्टिक ग्लास विंडशील्ड है यूवी कट फंक्शन के साथ कार्बन फाइबर रूफ है ऑटो फोल्डिंग एंटी ग्लेयर हीटेड आउटसाइड मिरर्स हैं मेमोरी और एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ एयर फ्लो के लिए वेंट। लेक्सस मल्टी स्टेज हाइब्रिड सिस्टम है डायनामिक परफॉर्मेंस और ज़्यादा एवरेज के लिए 4.8 मीटर लेंथ है 1.3 मीटर हाइट है लगभग 2000 थाउजेंड के कर्ब वेट है और 2500 फाइव हंड्रेड ग्रॉस वेट है 5.3 मीटर टर्निंग रेडियस है डायनामिक रियर स्टेरिंग है एलसी में और ये हैं ट्वेंटी वन इंच के अलॉय व्हील आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स आगे टू फोर्टी फाइव फोर्टी और पीछे टू सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव रन फ्लैट ब्रिज स्टोन पोटेंजा टायर्स हैं और ये रेडियंट रेड कलर आप देख रहे हैं ब्लैक ग्रे वाइट सिल्वर येलो ब्लू और ऑरेंज कलर का भी ऑप्शन है अडेप्टि वेरिएबल सस्पेंशन है जापान में स्थित लैक्स एरोडाइनमिक्स रिसर्च फैसिलिटी में टेस्ट करके बहुत ही एरोडाइनमिक बनाया है एल को वी एट पेट्रोल इंजन में भी आती है एल बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है रियर सेंसर्स एक्जॉस्टेल पाइप रिफ्लेक्टर रियर फॉग लैम्प डिफ्यूज़र हाई टेंसाइज स्टील एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर का यूज़ हुआ है बॉडी में एक्जॉस्टेल पाइप एल सी फाइव हंड्रेड एच मॉडल की बैजिंग लेक्स का लोगो रियर कैमरा जेट फाइटर एयरक्राफ्ट के आफ्टर बर्नर से इंस्पायर्ड एल शेप्ड एलईडी कॉम्बिनेशन टेल लैम्प एक्टिव रियर स्पॉइलर है जो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऊपर जाने पर ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा अंदर बटन से भी आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं हाई माउंट स्टॉप यू यूवी कट ग्लास हैं इसका ब्लैक पैंथर एडिशन भी आता है बट उसे इंडिया नहीं लाया गया है टॉर्जन लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है बढ़िया ट्रैक्शन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के लिए आगे पीछे मल्टीलिंग सस्पेंशन है कॉयल स्प्रिंग्स और स्टेबलाइजर बार के साथ सुपर जीटी रेसिंग सीरीज में भी पार्ट लेती है एल सी छः ड्राई मोड्स मिलेंगे इको, नॉर्मल कंफर्ट, स्पोर्ट स्पोर्ट प्लस और कस्टम ड्राइवर माइंड इंडेक्स है जो ड्राइविंग इन्वायरमेंट एक्सीलरेटर और ब्रेक पैडल ऑपरेशन को समझ के सही गेयर चूज करेगा एंटी थैट सिस्टम है साइरन ग्लास ब्रेक इंट्रूजन और इंक्लिनेसन सेंसर के साथ पॉप अप हुड है इम्पैक्ट फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लेक्सस डायनमिक हैंडलिंग सिस्टम एल है जो चारों व्हील्स को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा हाई लेवल स्पोर्ट्स ड्राइविंग के लिए वहीकल डायनामिक्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट वी है ये एक इंटीग्रेटेड वहीकल हैंडलिंग और सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम है बेहतर ड्राइवर रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए सेफ़्टी के अंदर एट एस आर एस एयरबैग ए बी एस सी बी डी ब्रेक असिस्ट स्मार्ट की एंट्री सिस्टम आगे पीछे पार्किंग सेंसर हिल स्टार्ट असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल पावर डोर लॉक स्पीड लॉक के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ड्राइव स्टार्ट कंट्रोल पार्किंग असिस्ट मॉनिटर ऑटो लोकेशन टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम आई एस एक्स एसिड माउंटिंग इम्पैक्ट सेंसिंग फ्यूल कट और इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल जैसे फीचर्स मिलेंगे यहाँ बटन दबा के आप बूट ओपन कर सकते हैं शानदार रियर स्पॉइलर तो यहां आपको मिलेगी 172 सेवेंटी टू लीटर की बूट स्पेस साइड में भी स्पेस है लाइट दी गई है और ये हाइब्रिड बैटरी टूल केट आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं एलईडी लिमिनेटेड फ्लश डोर हैंडल्स हैं लेक्सस लोगों के साथ थर्टीन स्पीकर्स का मार्क एलेवन सेन रेफरेंस सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा एल में क्लैरिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ वन टच अप डाउन पावर विंडोज हैं जैम प्रोटेक्शन के साथ थोड़ी स्पेस लाइट कार्बन फाइबर डोर है फ्रेमलेस विंडोज डोर लॉक करने का बटन यहाँ थोड़ी स्पेस पावर विंडो के कंट्रोल्स डोर लॉक अनलॉक लॉक करने का बटन ओ के कंट्रोल तीन मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं ड्राइवर सीट के लिए स्टाइलिश डोर हैंडल कार्बन फाइबर स्कफ प्लेट आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं सीट एडजस्टमेंट यहाँ पॉकेट दी गई है कुछ इन्फॉर्मेशन और ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन और ये है ब्राउन एल्केंटारा है ब्लैक रेड और ऑरेंज और कलर का भी ऑप्शन है आगे एट वे पावर एडजस्टेबल स्पोर्ट सीट्स हैं टू वे पावर एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट इंटीग्रेटेड फोमिंग स्ट्रक्चर हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ विप्लैश इंजरी को कम करने वाली कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स हैं प्लेन रूफ है वेरिएबल गेयर रेशरिंग है एल ई लाइटिंग है एल्यूमिनियम ब्रेक पैडल बोनेट खोलने का लीवर ये फ्यूल लेट हेडअप डिस्प्ले और बूट ओपन करने के बटन ऑडोमीटर के बटन्स और यहाँ से बढ़ेंगे पेट्रोल इजी एक्सेस पावर सिस्टम है जिससे ड्राइवर सीट ऑटो स्लाइड हो जाती है आगे और ऐसे दिखती हैं रो सीट्स बीच में मार्क लेवेंसन स्पीकर है सीट बेल्ट हैं स्पीकर है इधर भी स्पीकर Rest, इसके अंदर दो ग्लास होल्डर इसके अंदर भी काफी स्पेस दी गई है दो यूएसबी पोर्ट ऑक्स का पोर्ट ट्वेल्व वोल्ट का पोर्ट ये इंफोटेनमेंट कंट्रोलर टचपैड रेडियो मीडिया के बटन्स। हैं यहाँ एक ग्लास होल्डर ये स्पॉइलर का बटन ई वी ड्राइव मोड ऑटो होल्ड का बटन और ये है टेन स्पीड मल्टी स्टेज हाइब्रिड सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एम मोड है मैनुअल ड्राइविंग के लिए स्टाइलिश सेंटर कंसोल, डीवीडी चेंजर जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है नैनो एक्स एयर प्यूरीफायर एयर ऑयनाइजर क्लीन एयर फिल्टर पोलन और ओडर रिमूवल फंक्शन के साथ एक ए सी वेंड एंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और यह है टेन पॉइंट थ्री इंच का इलेक्ट्रो मल्टीविजन इंफरटेनमेंट सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ डीवीडी लेक्सस नेविगेशन यूएसबी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ऐप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो ऑक्स एफ एम और रेडियो नैविगेशन ऑडियो एफ एम रेडियो फोन ब्लूटूथ ऐप स्मार्ट डिवाइस लिंक इन्फॉर्मेशन आगे इंजन है बीच में मोटर है पीछे बैटरी है क्लाइमेट एसी के कंट्रोल्स, हीटेड स्टीयरिंग के कंट्रोल डिस्प्ले सेटिंग्स जनरल सेटिंग्स ऑडियो सेटिंग वाइकल सेटिंग फोन सेटिंग ब्लूटूथ सेटिंग्स थीम सेटिंग्स यहां से आप कलर चूज कर सकते हैं एफ एम डीवीडी मीरा कास्ट और ये रियर कैमरा डिस्प्ले डिस्प्लेक्स प्रीमियम एनालॉग क्लॉक शानदार डैशबोर्ड के फिनिश स्पीकर्स हैं और ये कलर हेडअप डिस्प्ले दिखाएगा स्पीड आरपीएम इंडिकेटर नेविगेशन मीडिया और कई इंफॉर्मेशन स्पीकर है दो एसी वेंट लॉकेबल ग्लो बॉक्स है और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ माइक है ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर दो रीडिंग लाइट्स हैं इंटीरियर सेंसर ऑफ करने का बटन है ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और ये है इलेक्ट्रिक पावर स्टेरिंग हीटिंग के साथ ये फ़ोन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वॉल्यूम और वॉइस कंट्रोल लैक्सेस का लोगो यह अप डिस्प्ले और डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल पैडल शिफ्टर वाइपर के कंट्रोल्स लाइट के कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक स्टेरिंग एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और यह है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एट इंच टी एफ टी डिस्प्ले के साथ जो दिखाएगा आउटसाइड टेम्परेचर टाइम कूलेंट टेम्परेचर फ्यूल लेवल स्पीड गेयर शिफ्ट इंडिकेटर आर पी एम information is settings vehicle settings speed warning EV mode coolant temperature fuel level. ट्रिप मीटर ओडोमीटर ये अट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन ड्राई मोड सेलेक्टर, स्पोर्ट एस प्लस मोड स्पोर्ट मोड कंफर्ट मोड इको मोड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ स्नो मोड यहां पर भी ड्राई मोड्स दिखाएगा आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 3500 सीसी वी सिक्स फोर कैम 24 फोर वॉल्व टोयटा एट जी आर एफ एक्स एक्स पेट्रोल इंजन 1.1 पॉइंट वन किलो वॉट आर लिथियम आयन बैटरी ए सी सिंक्रोनास परमानेंट मैगनेट मोटर डायरेक्ट इंजेक्शन फोर स्ट्रोक गैसोलिन इंजन सुपीरियर वर्जन डी फोर एस और डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग इंटेलिजेंट वाइड वी वी टी आई डब्ब्यू के साथ थ्री फिफ्टी फोर हॉर्स पावर है फाइव हंड्रेड एन एम टॉर्क है जीरो से हंड्रेड की स्पीड पकड़ेगी फाइव सेकेंड्स में टू फिफ्टी किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और ट्वेल्व का एवरेज मिलेगा एट्टी टू लीटर के फ्यूल टैंक्स हैं यही टोयोटा जी आर इंजन लेक्स एल एस फाइव हंड्रेड एच और टोयोटा क्राउन में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोड पे सिक्स किलोमीटर तक ये चल सकती है लिमिटेड टू फिफ्टी किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है थ्री फिफ्टी फोर हॉर्स पावर तो ये था थर्टी फाइव हंड्रेड सी सी पेट्रोल इंजन वॉशर डिप्लोएबल स्पॉइलर तो कैसे लगी आपको लैक्स एल सी हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू